हरे कृष्णा अध्याय 9 श्लोक नंबर 28। शुभा शुभ फलेर एवं मोक्ष से कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। इसका अर्थ, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। इसका तात्पर्य, गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, भक्ति रसामृत सिंधु 2.255 में। अनासक्तस्य विषयान् यथार्थम् उपयुञ्जत निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाए तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता जो जो कर्मशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यह स्पष्ट उल्लेख है, माम पश्यसि, वह मेरे पास आता है अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः यह वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेह न भुज्य, चैतन्य चरितामृत मध्य 23.39। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य मित्रों। तो अब इस श्लोक में जो बहुत मुख्य शब्द है दोस्तों वो है विमुक्तो और मामुपश्यसि। इसका अर्थ है विमुक्त मतलब मुक्त होना और माम का मतलब मुझे
और पश्यसी का मतलब है प्राप्त होना। तो भगवान यहाँ पे कृष्ण हमें बताते हैं कि जो कर्म बंधन तथा इसके शुभाशुभ फल से मुक्त हो सकेंगे, इस तरह से जो पिछले श्लोक हमने दो सुने थे, है ना, जो कुछ करते हैं भगवान को अर्पित करके करें, तो इसको एक तरह से वैराग्य कहते हैं, युक्त वैराग्य कहते हैं। इसका पारिभाषिक शब्द यही है जो शीला प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से समझाए हैं। कोई भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति इसको सरलता से समझ सकता है, इतने बखूबी से समझाया है, ये कोई शुद्ध भक्त ही कर सकता है भगवान का। तो भगवान जो बता रहे हैं कि संन्यास योग एक्चुअली क्या है, अपने चित्त को स्थिर कर, स्थिर कर का मतलब है भगवान में स्थिर कर, उस सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण श्याम सुंदर स्वरूप में जो स्थिर करके जो काम करता है, कर्म करता है, वो शुभाशुभ फलों से परे हो जाता है, मतलब मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान कौन सी मुक्ति बताते हैं, वो वाली मुक्ति बताते हैं जो वो भक्त भगवान के पास डायरेक्ट जाता है। भगवान बताते हैं मेरे पास आ सकोगे, इसका मतलब भगवान के पास जाएंगे। तो श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में जो बताते हैं, पांच टाइप की मुक्ति होती है। एक है षष्ठी, सारूप्य, फिर सामीप्य और सालोक्य, ये चार है, और पांचवा है सायुज्य। सायुज्य जो है दोस्तों, ये क्या होता है, ब्रह्म ज्योति में तदाकार हो जाते हैं। तो भक्त ऐसी मुक्ति कभी नहीं चाहते, जो भगवान के सेवक होते हैं, भगवान में अपना मन स्थिर रखते हैं, माइंड को स्थिर रखते हैं, वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं इन पर्सनल फॉर्म, नॉट इन इम्पर्सनल फॉर्म, है ना। ये हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं कि भगवान का शरीर नहीं है, फॉर्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे लोगों की ये मुक्ति होती है, सायुज मुक्ति होती है, जहाँ पे वो भगवान के एफ्लुजेंस ब्रह्म ज्योति में तदाकार हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो ये भक्त ये वाली मुक्ति नहीं चाहते हैं और ये पसंद भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान का सामीप्य चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, ये सुख सबसे बड़ा सुख है। और यही भगवान कहते हैं कि यही सुख मिलेगा जो मेरे में चित्त लगाता है। तो ये रहस्य भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। तो यही श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि जो गुरु के आदेश अनुसार कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहता है, कृष्ण सेवा में व्रत रहता है, उसको युक्त कहते हैं। और जब वो भगवत सेवा करता है, सब काम करते हुए उसको इस तरह से मोड़ लेता है अपनी ज़िंदगी की को कि वो सब कार्य भगवान पे ही केंद्रित होता है, मतलब जो भी कार्य करे, ऑफिस जाए या घर के काम काज करे, वो भगवान कृष्ण को ही सेंटर रख के करता है, तो उसको क्या कहलाते हैं, वैराग्य कहते हैं। ये वो वैराग्य नहीं कि सब छोड़ छाड़ के चले गए, नहीं, भगवान यहाँ पे वही बता रहे हैं कि कर्म करना है, काम करना है, काम छोड़ना नहीं है भैया, काम करते करते भगवान को याद करना है, है ना। तो ऐसा जो व्यक्ति पूर्णता से मुक्त माना जाता है और ये भगवत धाम जाने के लिए ध्रुव हो जाता है, यानी एकदम दृढ़ हो जाता है, उसका पक्का हो जाता है। तो ये श्रीला प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से हमको बताते हैं लास्ट लाइन में कि ये दुनिया तो हमको पता ही है कि नश्वर है, है ना, एक ऐसी दुनिया है जो नश्वर नहीं है, शाश्वत है। तो जैसे कृष्ण इन सब आलोचना जो करते हैं, लोग निंदा करते हैं, भगवान नहीं मानते हैं भगवान कृष्ण को और आलोचना करते हैं, इन सबसे परे हैं, और इनके भक्त जो इनकी सेवा करते हैं, इनके बारे में सोचते रहते हैं 24 घंटा, ये भी इस भौतिक आलोचना हो, निंदा हो, कुछ भी हो, शुभ अशुभ फल हो, कर्म हो, इन सबसे परे हो जाते हैं। और ऐसे लोगों का काम करना, कार्य करना, ये सामान्य लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे कि एक कथा आती है,
पुराणों में, जहाँ पे नारद मुनि भगवान कृष्ण के पास द्वारका में जाते हैं और पूछते हैं कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है, प्रभु आप बताइए। इतने सारे भक्त हैं चारों तीनों लोकों में, सब दिशाओं में बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी योगी भक्तगण प्रेमी भक्तगण सब हैं, तो उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है भगवान? तो भगवान कहते हैं जो मुझ में ही रहता है और जो हमेशा मुझे ही याद करता है, जैसे इस चैप्टर में भगवान ने बताया था, है ना, हमने सुना था पहले। तो भगवान कहते हैं कि क्यों ना तुम टेस्ट करो सबको जाके। तो नारद मुनि ने कहा कि कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो भगवान ने आइडिया बताया, कृष्ण भगवान ने, भगवान ने कहा जाओ और सबको भक्तों को एक एक सबको जाके पूछो कि कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रहा है, तो उसके लिए दवा चाहिए। तो दवा क्या है? आपकी चरण की धूली, वो चरण धूली कृष्ण के सर पे लगेगा तो वो ठीक हो जाएंगे। तो ये सुन के नारद जी खुद डर गए, बोले कि भगवान ये आप क्या बोल रहे हैं, कौन अपना चरणों का धूली देगा? चरणों का धूली देना, आपके सर पे लगाना, मतलब नर्क का द्वार है, नर्क जाना पड़ेगा। तो भगवान कहे तुम चुपचाप रहो और ये करो, जाओ जाके पूछ के आओ, देखो फिर तुमको पता चलेगा। तो नारद मुनि बोले ठीक है, नारायण नारायण, जाके टेस्ट करता हूँ सबको। तो सबसे पहले वो कहाँ गए? योगियों के पास गए। योगी जो वहाँ पे तपस्या कर रहे थे और यज्ञ वगैरह कर रहे थे, उनको जाके पूछा कि कृष्ण भगवान के सर में बहुत दर्द है, क्या आप इसका उपचार करोगे? तो बहुत खुश हो गए, बोले बिल्कुल करेंगे। तो बोले कि क्या उपाय है महात्मन? तो ऋषि देव ऋषि नारद ने कहा कि देखिए आपकी चरण की धूली चाहिए थोड़ी सी, वो उनके मस्तिष्क पे लगाते ही ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा क्या, हे भगवान, ओ बाप रे, हम नरक में जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये गलती हम कभी नहीं कर सकते नारद मुनि, कृपया हमको माफ़ कर दीजिए। और नारद मुनि वहाँ से चले गए। फिर गए वहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे अन्य भक्त हैं। ऐसे करते करते जब कुछ भक्तों ने उनको कहा कि हम इतने श्रेष्ठ भक्त नहीं हैं, काफ़ी बड़ी कथा है दोस्तों, तो संक्षेप में आपको बता रही हूँ। तो ऐसे करते करते कोई बता देता है आप हस्तिनापुर जाइए पांडवों के पास, ये सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के, ये आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो सब बचने के लिए ऐसे कह दिए नारद मुनि को। तो नारद मुनि अब गए हस्तिनापुर और पांडवों को कह दिया कि भैया ऐसा ऐसा कहानी है, देखो उपचार ऐसा है, चरण धूली चाहिए थोड़ी सी, तभी जाके सर दर्द कम होगा भगवान का, तो दे दो भाई। तो पांडवास तो सुन के चकरा गए, बोले नहीं नहीं, हम केशव को, वसुदेव को अपना चरण धूली नहीं दे सकते, बाप रे, हमको तो नर्क जाना पड़ेगा, ये भूल हम कभी नहीं करेंगे मुनिवर, आप हमें माफ़ कर दीजिए। तो ऐसे करते करते फिर वो कहते हैं आप क्यों नहीं द्वारका रानियों से क्यों नहीं पूछते, वो भगवान की परम प्रियसियाँ हैं, तो आप उनके पास जाइए। तो जब द्वारका की रानियों के पास जाते हैं तो रुक्मिणी जी सहित सब कहते हैं कि ओ माँ, हम कैसे हमारे प्रभु को अपनी चरण धूली देंगे, हम नरक जाएंगे, वो तो हमारे स्वामी हैं, हमारे पति देव हैं, और पत्नी का चरण धूली पति के सर चढ़ना मतलब नरक में जाना, वो भी घोर नरक में जाना। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, वो निराश हो गए और वापस कृष्ण के पास आए और भगवान को बोलने लगे मैं तो हार गया, कोई चरण धूली देने के लिए रेडी ही नहीं है। और बात भी सही है, आप ऐसे ऐसे लीला रचते हो कि बेचारे बुद्धि चकरा जाती है अच्छे अच्छों की, तो कौन चरण धूली देगा? सही बात है ना प्रभु, आपको चरण धूली अपनी देके क्यों कोई नरक जाएगा? तो कृष्ण हंसने लगे और बोले मेरा एक ऐसा भक्त है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, ना वो शुभ सोचेगा ना अशुभ सोचेगा, जैसे श्लोक में भगवान बता रहे हैं, तुम उसके पास जाओ, तुम्हें ज़रूर तुम्हारा प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो बोले किसके पास? तो बोले
ब्रज वृंदावन में गोपांगनाओं के पास जाओ जो मेरी सबसे बड़ी भक्ता हैं, मेरी प्रेयसियाँ हैं, नित्य प्रेयसियाँ हैं, तुम उनके पास जाओ, तुम निराश नहीं होगे, और फिर आके मुझे बताना। तो नारद मुनि इस बार भी निराश होके गए कि बोले अब किसी ने नहीं दिया तो ये ग्वाल बालिन क्या देंगी, ये तो इनको तो कुछ पढ़ाई लिखाई इन्होंने किया भी नहीं, साधारण स्त्रियाँ जैसे ही रहती हैं, ये क्या जानती हैं ये सब। तो भी भगवान के बताने पर वो चले गए ब्रज वृंदावन धाम में गए, और वहाँ जाके देखा गोपियाँ अपने ही धुन में, मतलब कृष्ण धुन में लगी हुई हैं, उनके ही गुणगान गा रही हैं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हर पल हर क्षण गोपियाँ कृष्ण के बारे में ही सोचते रहती, चाहे वो काम कर रही हो या दूध दुआ रही हो या दूध मक्खन निकाल रही हो, कोई भी कार्य कर रही हो, गो चरा रही हो, कुछ भी कर रही हो, उनका मन तो कृष्ण में ही लगा था। तो नारद मुनि गए गोपियों के पास और उन्होंने कहा कि देखो मैं द्वारका से आ रहा हूँ अभी। तो ये सुनते ही गोपियाँ सबसे पहले तो खुश हो गई और उनको पकड़ के पूछने लगी कि हमारे कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, बताइए बताइए। तो नारद मुनि बोले कि अरे ठीक नहीं है, इसीलिए तो आया हूँ, क्या हुआ क्या हुआ। बोले बहुत विचित्र सरदर्द उनको हो रहा है, सर फटा जा रहा है उनका और उसका कोई उपाय नहीं है। तो अब गोपियाँ बोली हे भगवान, हे नारायण, हमारे कृष्ण को क्या हो गया, ऐसे कैसे सरदर्द आ गया, अब क्या करें क्या करें, मुनिवर आप ही बताइए, कुछ तो उपाय होगा कुछ तो उपाय होगा। बोले उपाय भी बड़ा विचित्र सा है, आप नहीं कर पाओगे, कोई नहीं किया तो आप कैसे करोगे। गोपियों ने बताया आप बताइए तो सही क्या है उपचार, हम करने के लिए रेडी हैं, बोली बोली। तो बोले कि देखो आपकी ना भक्तों की चरण की थोड़ी सी धूली चाहिए, वो थोड़ी सी धूली लगते ही सरदर्द ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। अब ये सुनते ही जो गोपियाँ अपना पैर रगड़ रगड़ कर ब्रिज की धूलियाँ इकट्ठा कर के एक दूसरे का रगड़ रगड़ कर, हाँ ज़ोर ज़ोर से रगड़ रगड़ कर पैर धूलियाँ इकट्ठा की, और फिर उसका बड़ा सा पोटला बना के अपने चुनरी से बांध कर पोटला बनाकर नारद मुनि के हाथ में थमा दिया और बोले जितना चाहिए उतना धूली ले लीजिए, चरण धूली ले लीजिए और भगवान कृष्ण के माथे पर लगा दीजिए, हमारे श्याम सुंदर सुखी रहना चाहिए, लेके जाइए जल्दी, लेके जाइए जल्दी जल्दी जाइए। तो नारद मुनि पोटली देख रहे हैं गोपियों की तरफ, देख रहे हैं पोटली देख रहे हैं गोपियों की तरफ देख रहे हैं, बोल रहे हैं अरे आपको पता भी है कि चरण धूली भगवान के सिर पे लगना, कृष्ण के सिर पे लगना मतलब नरक जाना अनंत युगों तक, दिनों तक नहीं युगों तक, कि आप ये रिस्क ले लोगे। गोपियों ने कहा अरे कृष्ण को अगर आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, तो हम नरक क्या, हम घोर नरक में भी जाने के लिए रेडी हैं, वो भी अनंत काल के लिए, युग तो छोड़िए अनंत काल के लिए हम जाने के लिए रेडी हैं, मगर कृष्ण खुश होने चाहिए, वो सुखी रहने चाहिए। तो नारद मुनि बहुत खुश हुए और कृष्ण के पास गए, ये भाव उन्होंने कहीं नहीं देखा था दोस्तों, ये भाव सिर्फ ब्रज वृंदावन में ही मिलता है, इसीलिए भगवान के गोप सखा गोपियाँ उनके परिकर जो भी हैं ब्रज वृंदावन के, वो अतिशय प्रिय है, ये चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रमाण दिया है कि ये सबसे उत्तम भक्त हैं गोपीजन भगवान के, ये भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहती थी, इतना प्रेम, मतलब खुद का सुख उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था, बस भगवान को सुख देना है, इसलिए भगवान भी उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते थे। तो इस तरह से जब हम भी हमारा चित्त भगवान में लगाते हैं तो निश्चित ही हम उसके पास चले जाते हैं, उस श्याम सुंदर के पास चले जाते हैं जो हमारे हृदय रूप में स्थित है, मगर हमें अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर हर पल भगवान हमारे साथ है,
जब हम ये सब चीज़ से परे हो जाते हैं तो हम युक्त वैराग्य जो यहाँ पे बताया है, मतलब यहाँ पे रहते रहते हम मुक्त स्थिति में आ जाते हैं। ये युक्त वैराग्य का यही असल मतलब है कि यहाँ पे रहकर भी, भौतिक दुनिया में रहकर भी ऐसा भक्त जो है मुक्त अवस्था में रहता है, हमेशा मुक्त अवस्था में रहता है, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता है। सिर्फ उसका शरीर यहाँ से छोड़कर ट्रांसफ़र होना होता है उस प्लैनेट में, गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ में, जहाँ पे भगवान का नित्य धाम है, कहते हैं। तो इतना ही फ़र्क होता है और कुछ फ़र्क नहीं होता, बल्कि वो सभी जगह पे भगवान के साथ ही होता है। तो यही चीज़ भगवान सिखाते हैं भगवद्गीता के थ्रू हमें, कि हमको भी यह युक्त वैराग्य स्टेज पर आना चाहिए, मतलब हमारे चित्त को कृष्ण में लगाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, तभी ही हम मुक्त अवस्था में हो जाएंगे, उस लिबरेशन के स्टेज पे आ जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।